हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव चैनल। माय नेम इज राहुल गुप्ता। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग की इससे पहले मैं 4 या 5 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको बाटा इथिकल हैकिंग और फिर आपको सिक्योरिटी, फिर इसके सर्वर, आपको रूल्स बताए थे मैंने कि क्या साइबर क्राइम होते हैं, उसके लॉ क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। इसके बाद मैंने अपना सेकेंड टॉपिक लिया था, पोटेंशियल सिक्योरिटी वाले बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो और बनाई थी। अब आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर इथिकल हैकिंग टूल। हैकिंग टूल्स ये तीसरा अपना चैप्टर है अपने सिलेबस के अंदर। इसके बाद पेन टेस्टिंग वगैरह सब कुछ अपन जानेंगे, तो सबसे नंबर पहले इसमें जानेंगे व्हाट आर इथिकल हैकिंग टूल्स। व्हाट आर हैकिंग टूल्स के बारे में मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि मैं हैकिंग टूल्स 22 बताऊंगा, जिसके ऊपर 3 वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो के देखने के बाद में आगे के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रिंग वाली बेल दबाइएगा, जिससे कि आपको जैसे ही मैं हैकिंग टूल्स के बारे में वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले और आप सबसे पहले जाने। अब जानते हैं हैकिंग टूल्स। हैकिंग टूल्स आर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट दैट हेल्प यू फाइंड एंड एक्सप्लोइट वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम, वेब एप्लीकेशन, सर्वर एंड नेटवर्क। आपको ये नेटवर्क, ये सर्वर, ये वेब एप्लीकेशन, जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ये आपका कंप्यूटर है, ये सर्वर है कोई, ये नेटवर्क है कोई, उसकी वीकनेस को ढूंढने के लिए या उसको पता लगाने के लिए तो हैकिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में 22 एप्लीकेशन बताऊंगा, हैकिंग टूल्स बताऊंगा, बट उसका मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता। तो आप सभी को पता है कि यूट्यूब में प्रैक्टिकल दिखाना बैन है हैकिंग के, तो मैं आपको इसके बारे में टाइम आने जब आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे आपको वेबसाइट में इसकी सभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो आप उसकी भी टेंशन ना लीजिए। आपको हैकिंग टूल्स के बारे में सब बताऊंगा। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सच टूल्स अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। आपके बहुत से टूल्स नेटवर्क अवेलेबल हैं मार्केट में, तो मैं उसमें से 22 ही बताऊंगा, बहुत से हैं। सम ऑफ देम आर ओपन सोर्स वाइल अदर आर कॉमर्शियल सॉल्यूशन। कॉमर्शियल सॉल्यूशन के लिए इसका यूज भी किया जाता है, ओपन सोर्स भी कई रहते हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं नेट स्पार्कर। नेट स्पार्कर इज एन इजी टू यूज वेब एप्लीकेशन। ये वेब एप्लीकेशन में इजी यूज किया जाता है। ये सिक्योरिटी स्कैनर होता है डेट कैन ऑटोमेटिकली फाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ये ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस एंड अदर वल्नरेबिलिटी इन योर वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विस। आपके वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विस में एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस एंड अदर चीजें फाइंड कर लेता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद जानते हैं इट इज अवेलेबल एज ऑन परमिस एंड एसएसएस सॉल्यूशन। ये अवेलेबल होता है ऑन परमिस आपके एसएस सॉल्यूशन। अब इसके फीचर हैं, इसके फीचर तो बहुत हैं, पर मैं इसमें 4 लिखे हुए और उसमें मैं आपको 2 ही बताने वाला हूँ और 2 आप देख सकते हैं। सबसे पहला फीचर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है जो आप जान सकते हैं, ज़्यादातर इसका ही कारण ये ज़्यादा फेमस है। इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है फुली स्केलेबल सॉल्यूशन, जो आपकी फुली स्केलेबल का देता है सॉल्यूशन को। आपकी स्कैनिंग करेगा, फिर उसके बाद वो उसके बारे में बताएगा क्या कमी है, फिर उसको सॉल्यूशन को बताता है, फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। इसके में स्कैन 1000 वेब एप्लीकेशन इन जस्ट 24 आवर्स, मतलब एक दिन में 1000 वेब एप्लीकेशन को क्या कर देता है, स्कैन कर देता है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ये है। इसके बाद है सेकेंड नंबर था डेड एक्यूरेट वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन विद द यूनिक्यू प्रूफ बेस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। आपके वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करता है प्रूफ बेस्ड स्कैनिंग टेक्नोलॉजी में। इसके बाद है अपना सेकेंड है अपना फीचर, सेकेंड हैकिंग टूल्स है सफार वीपीएन। सफार वीपीएन के बारे में शायद आप जानते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाले ये टूल्स है। सफार वीपीएन इज एसेंशियल इथिकल हैकिंग टूल, एसेंशियल इथिकल है, मतलब जो हैकिंग सीखना चाहता है सफार वीपीएन नहीं यदि यूज किया तो फिर वो मतलब थोड़ा सा भी जानता है सफार वीपीएन के बारे में जानना होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी लोग जानते हैं। ये आपके जैसे यदि विंडो है तो विंडो के हिसाब से मिलता है, और ये मैक है तो मैक के हिसाब से, iOS है तो iOS के हिसाब से, और लिनक्स है तो लिनक्स से। इट्स अवेलेबल अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं बताया जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आपको ये मिलता है। एंड प्रोवाइड मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन, मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन देता है। इट्स स्ट्रॉन्ग रिपल्सन विद इन द वीपीएन इंडस्ट्री, हेल्प यू स्टे लीगल while it commitment to its zero legal promise no record of any online activity
ऑनलाइन एक्टिविटी में नो रिकॉर्ड रखता है। एंगेजिंग अ रेंज ऑफ ग्लोबल सर्विस इट क्रूशियल व्हेन डोनिंग योर वाइट हैट। वाइल दिस वीपीएन सर्विस स्पीड एंड एन्क्रिप्शन मेक इट वन ऑफ द बेस्ट। ये सबसे बेस्ट हैकिंग टूल्स है जिसके बारे में कहा था, सफल वीपीएन वाइट हैट हैकर यूज करते हैं, वो वाई हाइट हैकर ही इतकल हैकर कहा जाते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं ना कि किसी को नुकसान करते हैं। इसी के लिए ये सफल वीपीएन है। आप और लोग कहते हैं इसका गलत भी यूज करते हैं, पर गलत यूज आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इसके बाद इसके हम फीचर जानेंगे, तो सबसे पहला फीचर जानते हैं 256 बिट स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन। ये सबसे बेस्ट फीचर है, 256 बहुत बड़ा पासवर्ड इंक्रिप्शन दे देता है। इसके बाद सेकेंड नंबर का मल्टीपल वीपीएन प्रोटोकॉल्स, मल्टीपल वीपीएन प्रोटोकॉल्स देता है। इसके बाद सुपर सिंपल टू इंस्टॉल, ये सफल है और सिंपल इंस्टॉल हो जाता है। यू कनेक्ट विद अ सिंगल क्लिक, इस सिंगल क्लिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट, ये एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। सेल्फ मैनेजेड मैनेज प्रीमियम सर्वर, वर्ल्ड वाइड इंस्टॉल मैक्सिमम स्पीड, वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम स्पीड देता है। इसके बाद है थर्ड नंबर का जानते हैं अपन हैकिंग टूल्स, एक्विंटिक्स WVS। एक्विंटिक्स इज द लीडिंग वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ये लीडिंग वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर होता है। दिस वाइडली एक्लेम्ड टूल्स ऑफर द मोस्ट एडवांसेड SQL इंजेक्शन एंड XXX ब्लैक बॉक्स स्कैनिंग टूल, ये ब्लैक बॉक्स स्कैनिंग टूल्स भी कहा जाता है। और ये वेब लीडिंग करता है वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर को, और SQL MySQL में इंजेक्शन होते हैं, जैसे आप डाटाबेस करने के लिए किया जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। फीचर इसके हैं, सबसे पहला फीचर है ईजी लिटर एंड एक्सक्यूट एक्शन, आपके ईजी लिटर और एक्सक्यूट एक्शन के लिए। सेकेंड नंबर का है ऑटोमेटिक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, आपके वेब एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन अपने आप ले लेता है। इसके बाद थर्ड है फर्स्ट टेस्ट वैलिडेशन एंड हैंडलिंग ऑफ इनवैलिड डाटा, आपके इनवैलिड डाटा जो हैंडल कर लेता है। और इसके बाद भी मैंने बहुत 6 फीचर लिखे हैं, और डाउनलोड की इसकी लिंक है। डाउनलोड करना है तो आपको जाना है, सर्च करना है https://www.aquintex.com/vulnerability/scanner। इसके बाद आपको फिर स्लैश डाउनलोड, फिर स्लैश, इसके बाद आपको बल्ब स्विच, फोर्थ नंबर का हैकिंग टूल से बल्ब स्विच। आप बल्ब स्विच के बारे में जानने से पहले हम 3 हैकिंग टूल्स के बारे में जान चुके हैं, तो बल्ब स्विच इज अ यूजफुल प्लेटफॉर्म फॉर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में आपको सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए वेब स्विट का यूजफुल किया जाता है, यूज किया जाता है। ये परफॉर्मिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स है, ये टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इट वेराइज टूल्स वर्क सीमेसली टूगेदर टू सपोर्ट द एंटायर पेन टेस्टिंग प्रोसेस, ये वेराइज करता है आपको पेन टेस्टिंग प्रोसेस की स्कैनिंग के लिए इसका यूज किया जाए। इट इज पेन फॉर इनिशियल मैपिंग टू एनालिसिस ऑफ एन एप्लीकेशन अटैक सर्फेस में इसका यूज किया जाता है। फीचर इसके फीचर है, तो सबसे पहला फीचर है इट कैन डिटेक्ट ओवर 3000 वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी, 3000 वेब एप्लीकेशन की एक साथ वेब वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब हटा सकता है। सेकेंड इसका फीचर है स्कैन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, स्कैन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एंड कस्टम बिल्ट एप्लीकेशन है। इसका थर्ड फीचर मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है एडवांस स्कैन फीचर फॉर मैनुअल टेस्टर, एडवांस स्कैन फीचर होता है मैनुअल टेस्टर के साथ। डिटेक्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एंड 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी तो हटाता है। इसकी ये लिंक देखी जाए तो एक लिंक है https://portswigger.net/pre-download, कर आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद है पांचवा एथिकल हैकिंग टूल्स इटरकैप, इटरकैप की स्पेलिंग होगी ETERCAP। इटरकैप इज एन एथिकल हैकिंग टूल, ये भी एथिकल हैकिंग टूल्स है, आपका ये ब्लैक हैट हैकर के लिए कोई ये टूल्स नहीं है। यदि आप गलत करना चाहते हैं और यदि अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो आपके लिए टूल्स है, तो इसलिए इसे कहा जाता है इटरकैप इज एन एथिकल हैकिंग टूल्स। इट सपोर्ट एक्टिव एंड पैसिव डिटेक्शन फीचर इंक्लूड
फॉर नेटवर्क एंड होस्ट एनालिसिस। ये किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? होस्ट एनालिसिस आपको होस्टिंग करने के लिए सबसे मोस्ट यूजफुल टूल है। और एक्टिव एंड पैसिव डिटेक्शन, एक्टिव प्रोसेस में भी काम करता हो, पैसिव प्रोसेस में भी कर सकते। एक्टिव में आप जानते हो कि आपके काम चालू रहते हुए भी आपको दिखाई दे, और पैसिव में आपके ना होते हुए भी वो काम चालू रहता है। इट सपोर्ट एक्टिवेट एंड पैसिव डिटेक्शन ऑफ मैनी प्रोटोकॉल, सबसे पहला। इसके बाद अलाउ क्रिएशन ऑफ कस्टम प्लगइन्स यूजिंग एटाकैप इज एन API, इसका सेकेंड ये हो गया। इसके बाद थर्ड है फीचर ऑफ ARP पॉइजिंग टू स्नैप ऑन अ स्विच लैन बिटवीन टू होस्टेबल लैन बिटवीन में यूज किया जाता है। इसके बाद बहुत से फीचर हैं, आप सभी देख सकते हैं। इसका मेन ये भी एक फीचर है, क्लाइंट वाइल मेंटेनिंग ऑफ लाइव कनेक्शन मेंटेन में किया जाता है। इसकी भी डाउनलोड की लिंक है etercap.github.io/etercap/download.html। आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की मैं वैसी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आराम से आप डाउनलोड करते हैं। अब एयरक्रैक हैकिंग टूल्स है, इसका यूज ज़्यादातर आपका किया जाता है वाईफाई हैकिंग में। आपकी सभी प्रैक्टिकल वीडियो में बताऊंगा मैं इसके बारे में, पर इसकी प्रैक्टिकल वीडियो अपनी वेबसाइट में ले लाऊंगा, तो आप उसमें वेबसाइट में विजिट करेंगे। अभी तो नहीं, जब आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, जब यदि आपने कहा तो जब लाऊंगा। यह क्या कही जाए, ट्रस्टेबल इसका हैकिंग टूल, ट्रस्टेबल है, बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है इसको। आप आग बंद करके भी इसका यूज कर सकते हैं। इट क्रैक्स वल्नरेबल वायरलेस कनेक्शन, ये क्या करता है, वायरलेस कनेक्शन को क्रैक करता है। इट इज पावर्ड बाय WEP, WPA एंड WPA इंक्रिप्शन की। कौन कौन से में पावर्ड बाय किया जाता है? WEP, WPA एंड WPA2 इंक्रिप्शन की। फीचर मोर कार्ड ड्राइवर्स एंड सपोर्ट, बहुत से कार्ड ड्राइवर्स को सपोर्ट कर सकता है एक साथ। इंप्रूव ट्रैकिंग स्पीड, इंप्रूव करता है ट्रैकिंग स्पीड को इंप्रूव करता है। न्यू VPN अटैक को PTW बोला जाता है, जिससे उसमें यूज किया जाता है। सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म, ऑल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म सपोर्ट करता है प्लेटफॉर्म में। इसकी लिंक है https://www.aircrack.ng.org/download.html। इसके बाद है 7 नंबर का हैकिंग टूल्स, एंगी आईपी स्कैनर या एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म इथिकल हैकिंग टूल्स। इट स्कैन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, क्या करता है, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स को स्कैन करता है। तो इसका भी यूज किया जा सकता है आपका, जिस प्रकार से एयरक्रैक का यूज किया जाता है, ये भी आप वाईफाई हैकिंग या बहुत सी जगह पर इसका यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस वेबसाइट में भी ये काम आता है। इसके फीचर है स्कैन लोकल नेटवर्क एज वेल एज जी नेटवर्क, लोकल नेट को स्कैन करने के काम आता है। फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है, ये फ्री एंड ओपन सोर्स टूल है। इसका खासकर यूज एंग्री आईपी स्कैनर और एयरक्रैक का यूज वाईफाई हैकिंग के लिए किया जाता है। एक्सपोर्ट रिजल्ट इनटू मैनी फॉर्मेट्स, रिजल्ट देता है मैनी फॉर्मेट में, वर्क्स ऑन विंडोज मैक लिनक्स, आपके जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हिसाब से वर्क करता है। नो नीड फॉर इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती। इसकी डाउनलोड की लिंक है http://angryip.org/download/, जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप पहले लगाएंगे हैज, इसके बाद विंडोज यदि मैक है तो मैक, लिनक्स है तो लिनक्स। इसके बाद है 8 नंबर के हैकिंग टूल्स, GPI LandGuard इज एन इथिकल हैकिंग टूल्स डेट कैन स्कैन नेटवर्क फॉर वल्नरेबिलिटीज, जो स्कैन नेटवर्क करता है वल्नरेबिलिटीज के लिए इथिकल हैकिंग टूल्स का यूज किया जाए। GPI LandGuard इट कैन अटैक्स एक्स योर वर्चुअल सिक्योरिटी कंसोलिडेट ऑन डिमांड, इट अलाउस क्रिएटिंग एन एसेस सेट इन्वेंटरी ऑफ एवरी डिवाइस, आपकी एवरी डिवाइस में एसेस सेट करता है। वर्चुअल सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऑन डिमांड पे काम करता है। फीचर सबसे पहला फीचर इसका एनालाइज नेटवर्क सेंट्रली, एनालाइज करता है नेटवर्क सेंट्रली में। डिस्कवर सिक्योरिटी टेस्ट ऑन ईयरली, सिक्योरिटी टेस्ट को डिस्कवर जल्दी से जल्दी कर लेता है। हेल्प टू मेंटेन अ सिक्योर एंड कॉम्प्लीमेंट नेटवर्क, आपको नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए बहुत से बहुत कठोर या बहुत से बहुत अच्छा नेटवर्क, मजबूत नेटवर्क को भी यदि आपको नहीं है सिक्योर, तो उसको सिक्योर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसकी लिंक है, बहुत लंबी है, आपको बताने वाला हूँ, बट आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसकी लिंक है https://www.gapi.com/product-and-solution/networks-security-solution/gpi/landguard
/download। इसके बाद नाइन्थ नंबर का हैकिंग टूल है SavvyVS। SavvyVS हैकिंग टूल है, इथिकल हैकिंग टूल है। इट परफॉर्म इशू, इट परफॉर्म इशू एंड रिड्यूस सिक्योरिटी रिस्क विद द डीप विजिबिलिटी प्रोवाइड बाई ओमनीपिक। इट कैन डायग्नोस नेटवर्क इशू फास्टर एंड बेटर विद SavvyVS पैकेट इंटेलिजेंस फीचर। पावरफुल इजी टू यूज नेटवर्क फोरेंसिस सॉफ्टवेयर, फोरेंसिस सॉफ्टवेयर में इजी टू यूज किया जाए, पावरफुल होता है। इसके बाद थर्ड नंबर का सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन एप्लीएंसेस सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेटेड एप्लीएंसेस सॉल्यूशन दिया जा सकता है इससे। इजी टू यूज इंट्यूटिव वर्क फ्लो, इजी टू यूज होता है इंट्यूटिव वर्क फ्लो में यूज किया जाए। ऑन साइट डिप्लॉयमेंट फॉर एप्लीएंसेस में यूज किया जा सकता है। कमिटमेंट टू अवर कस्टमर एंड अवर प्रोडक्ट्स में यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से इसकी नौ आपके फीचर हैं, और भी फीचर में नौ लिखे हैं, आप नौ दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर में बताया, जिसमें तीन या चार मैंने आपको बता दिए हैं बोलकर। इसके बाद है डाउनलोड लिंक है https://www.savvybs.com। इसके बाद /distributed पासवर्ड लगाना है -network-analysis-suite-trial ट्राइवर्जन इसका मिलेगा। आप इस बार फिर कुछ पेड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर का सिक्योरिटी हैकिंग टूल है जो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, इसका नाम है क्वालीगार्ड्स। इसकी स्पेलिंग हो सकती है QUALYSGUARD। क्वालीगार्ड हेल्प बिजनेस स्ट्रीमलाइन देयर सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस सॉल्यूशन। ये बिजनेस के लिए कोई बनाया जाता है वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसमें यूज करता है। इट आल्सो बिल्ड सिक्योरिटी इनटू देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। दिस टूल्स कैन आल्सो चेक द परफॉर्मेंस, ये आपके टूल से आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए दिया जाता है। वल्नरेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम, ऑफ द ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम में देखा जाता है। फीचर इट इज टेस्टेड ग्लोबली, ये टेस्टेड ग्लोबली है। नो हार्डवेयर टू बाय और डैमेज मैनेज, नो हार्डवेयर को आपको डैमेज नहीं करता और मैनेज करने में काम आता है। इट इज स्केलेबल एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ आईटी सिक्योरिटी में। डाटा एनालाइज इन रियल टाइम, डाटा को एनालाइज करता है इन रियल टाइम में। इसकी डाउनलोड लिंक है https://www.qualys.com/form/free-scan/download कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी प्रकार से आपको हैकिंग टूल्स की अभी दो वीडियो और मिलनी है। यदि आपको वीडियो देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रिंग वाली बेल दबाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपके साथ इथिकल हैकिंग आपको कोडिंग वगैरह वगैरह सभी सीख सकें। आपको जल्दी से जल्द आपको फन की वीडियो भी लाने वाला हूं और आपको यही वीडियो सिखाता रहूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।